जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। हम इस वीडियो में देखेंगे आपके सेकेंड यूनिट को, समझेंगे कि सेकेंड यूनिट के पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड यूनिट आपका है क्या, आपको उसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है और कौन कौन से पॉइंट से सवाल आपके पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये जो पेज दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कहीं और का नहीं, आपके विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर किया गया आपके बीएड का सिलेबस है। और बीएड के सिलेबस के यूनिट टू को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट, कि इस यूनिट में आपको आप क्या पढ़ना है। इस यूनिट से कम 20 से 22 नंबर के आपके सवाल जरूर आएंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि यूनिट टू आखिर है क्या, इसमें पढ़ना क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपके तीन पॉइंट दिए गए हैं, तीन टॉपिक दिए गए हैं। इन तीन टॉपिक में जो पहला है वो है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। मतलब दर्शन क्या है, मतलब दर्शन का अर्थ क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसका प्रकृति क्या है, दर्शन का अर्थ, इसकी प्रकृति और इसका क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा इसमें एक था कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार ये सवाल आप अपने सीनियर से अगर आप पूछेंगे, कई बार ये सवाल आपसे पूछता है कि शिक्षा और दर्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बच्चों, शिक्षा और दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचर, स्कोप एंड नीड एंड इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर। अब इसको बहुत ही आसान से शब्दों में समझ जाइए कि ये पूरा ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट ये है क्या। दोस्तों दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, दर्शन, दूसरा शिक्षा दर्शन, बस काम खत्म। अब इसमें आपसे सवाल क्या पूछेगा, एक सवाल दर्शन से रहेगा और एक सवाल शिक्षा दर्शन से रहेगा, ठीक है। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और शिक्षा दर्शन में आप संबंध बताइए, इसका उपयोग क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी क्षेत्र प्रकृति, यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इतना घबराने वाली बात नहीं है। साधारण से रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं शिक्षा और दर्शन से, तो जो भी इसका रिपीटेड सवाल है उसको एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन के एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन मिलेंगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों इसमें, जो ये दूसरा पॉइंट है वो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, एक्सक्यूज मी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, मतलब भारतीय शिक्षा दर्शन। अब भारतीय शिक्षा दर्शन में वेदांत, ठीक है, वैदिक शिक्षा दर्शन, बौद्ध, जैनिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट, एम, करिकुलम, मेथड। अब यहाँ पे चार पॉइंट है आपको, कॉन्सेप्ट, एम, करिकुलम एंड मेथड, मतलब अवधारणा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और मेथड्स, मतलब तरीका, किसके, चार इंडियन फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है, चार भारतीय दर्शन, शिक्षा दर्शन कौन कौन सा, वेदांत, वैदिक, वैदिक कालीन में शिक्षा का क्या करिकुलम रहा होगा, वैदिक कालीन में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा होगा, वैदिक काल जब वेदों से, जब गुरुकुलों में और आश्रमों में जब शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, तो उस समय शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या तरीका, मेथड्स क्या रहा होगा, उस समय पाठ्यक्रम क्या रहा होगा, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा वैदिक काल में। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल, जब बौद्धिक शिक्षा यहाँ पे देनी शुरू की गई, तो बौद्धकालीन शिक्षा का आदर्श, उद्देश्य, विशेषताएँ क्या है, उसके पाठ्यक्रम क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं। जैनिज्म, जैन शिक्षा की बात की जा रही है, या फिर इस्लामिक, मुस्लिमकालीन शिक्षा की बात की जा रही है, तो इनके आदर्श, उद्देश्य, विशेषताएँ। दोस्तों इन चारों में से कम एक सवाल तो आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक में अब वो कौन सा पूछेगा आई डोंट नो, लेकिन एक तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन चारों में से कोई एक आपको पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको चारों है, ठीक। इसी प्रकार से तीन के, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैनिज्म पर मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है, मैं जल्दी बना दूंगा, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में दोस्तों वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन और इस्लामिक कालीन, मुस्लिम कालीन, इन तीनों कालीन शिक्षाओं के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस किया है, इस वीडियो में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। मैं उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, और यहीं से आपका प्रश्न आएगा। मैं पहले सिलेबस इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कम से कम बच्चों को ये तो समझ में आए कि हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना क्या है। जब एक बार ये समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, तो बच्चे डेफिनेटली जब उस चीज़ों को पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये आपके सेकेंड यूनिट के बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैदिककालीन, बौद्धिककालीन, जैनिज्म शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा, इनके क्या, इनके कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा, इसका उद्देश्य, पाठ्यक्रम और मेथड्स, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखिएगा बच्चों। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, आपका थर्ड पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन थिंकर्स, भारत के कुछ
एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं, जो कि दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं, दार्शनिक विचारक रहे हैं, दार्शनिक सोच रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, जैसे कौन कौन से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी। अब इन तीन को आपके सिलेबस में रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि इनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन्होंने शिक्षा को कैसा माना है और इन्होंने क्या माना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इन्होंने शिक्षा के क्या मेथड्स माने हैं और शिक्षा को कैसा माना है, मतलब शिक्षा के बारे में इनके विचार क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। किसके? महात्मा गांधी जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के और स्वामी विवेकानंद जी के, इन तीन व्यक्तियों के। अब आप ऐसे सवाल पूछा जाता है, जैसे कि सवाल आपसे ये पूछ दिया कि महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की व्याख्या करिए। अब आप इसको बताना है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या था, महात्मा गांधी ने शिक्षा के क्या मेथड्स बताएं, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, या फिर आपसे पूछ देगा विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करिए, या फिर सवाल ये भी पूछ देगा कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, व्याख्या करिए। ठीक है, तो ये तीन महान थिंकर्स के बारे में आपसे सवाल पूछता है, कौन सा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो वाली समझ नहीं आएगी, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसको अलग अलग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर बच्चों आपको नहीं मिलता है आप बताइएगा, आपके विश्वविद्यालय के मैं अलग से बना दूंगा, एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वो वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं मोबाइल से अपलोड करता हूँ तो थोड़ी सी मसला होता है उसमें। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया, मुझे प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि या क्या आपको सिलेबस समझ में आया, क्योंकि जब आप सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कंट्रीब्यूशन दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को समझें, पढ़ें, अच्छे नंबर से पास हों। मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, आपका भी प्रेम चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें कमी नहीं करेंगे। बिल्कुल, सो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, इसके आंसर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि उसके सिलेबस में पढ़ना क्या है, उनके सीरीज है, उनके बुक में पढ़ना क्या है, एग्जाम्स में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। जब एक बार सिलेबस में इसलिए फोकस कर देना, मैं आपको चलो एक कहानी सुनाता हूँ वीडियो के अंत में। एक बार दो लकड़ीहारों को एक कुल्हाड़ी दी गई कि जाओ पेड़ काट के आओ। ठीक है, उनको समय दिया गया 20 मिनट का, चलो 20 मिनट आपके पास समय है और जाओ पेड़ काट के आओ। एक लड़का कुल्हाड़ी लेता है, जाता है, पेड़ काटना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है, थक जाता है, मतलब काटता है, जबकि दूसरा नहीं आता। जब 10 मिनट बीत गया तो फिर दूसरा व्यक्ति आता है कुल्हाड़ी लेके और वो पेड़ काटना शुरू करता है और पहले व्यक्ति से जल्दी ही वो पेड़ काट को निपटा देता है। अब पहला व्यक्ति शौक हो गया, अरे यार मुझे कुल्हाड़ी मिलते ही मैं 20 मिनट से काट रहा हूँ, मेरा पेड़ कटा ही नहीं, ये मेरे से 10 मिनट बाद आया और इसने पेड़ काट दिया। तो उसने पूछा कि भाई ये चमत्कार तुमने कैसे किया, मैं तुमसे पहले से काट रहा हूँ और मैं नहीं काट पा रहा और तुम मेरे से बाद में आया और काट दिया, आखिर तुमने ये चमत्कार कैसे किया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हें कुल्हाड़ी मिली तुम तुरंत पेड़ काटने चले गए, जबकि मैं इन 10 मिनट में पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार कुल्हाड़ी तेज हो गई तो फिर उसको किसी भी चीज़ को हल करने में समस्या नहीं होगी। ठीक इसीलिए मैं सिलेबस पे जोर देता हूँ, क्योंकि जब आप सिलेबस समझ जाएंगे ना तो आपको पढ़ने में, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में, चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूँ कि आप पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो जाते जाते मैंने आपको कहानी भी सुना दिया, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा लगा होगा। सो मेरा और आपका साथ इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, वीडियो को हम करने जा रहे हैं समाप्त। बाकी आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने विश्वविद्यालय के कितने बच्चों को जोड़ते हैं, सोचिए आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी ना, आपके सारे विश्वविद्यालय के बच्चे एक ही साथ एक प्लेटफॉर्म पे नीचे कमेंट कर रहे हैं, कोई किस कॉलेज से, कोई किस कॉलेज से, अच्छा लगता है, ऐसे टीम बना के रखिए, मुझे खुशी होगी अगर आपके दोस्त यहाँ पे जुड़ते हैं। तो कोशिश करिए आप भी अपने कॉलेज ग्रुप के दोस्तों तक शेयर करिए, जहाँ तक हो सकता है आप शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से पेपर देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत साथियों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स के वीडियो के लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो एक काम कर लेते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, मैं आज ही बनाता हूँ, और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी वीडियोस होंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। सो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए नया टेलीग्राम, आप सभी का वेलकम, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। सो जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।